बिना सपोर्ट के हवा में टिकता ही नहीं। अरे कमाल है। अब इसके लिए हिंदी भाषा में एक बड़ा ही सुंदर सा शब्द है, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के नियमों को मात देना बिल्कुल आसान नहीं। अब वो करने के लिए या तो फिर आपको किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठना पड़ेगा या फिर जेट में। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत में एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी लगातार ग्रेविटी के नियमों से जूझते हुए अपना बैलेंस बना पाता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। अरे इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। आई विल टेल यू हाउ। मैं हूं मनीष भटाविया एंड यू आर वाचिंग द फिट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत शो। और आज जिस इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया की मैं बात करने वाला हूं, उसमें तीन चीजें, तेजी यानी कि स्पीड, लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी, और ध्यान यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। अब इन तीनों चीजों की घुट्टी बनाकर उसमें इंसान के मसल्स का कमाल अगर जोड़ दिया जाए तो फिर जो तस्वीर हमें दिखती है, अगर वो हुनर हम देख ले तो फिर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। और उस स्पोर्ट का नाम है मलखम। ट्रेडिशनली एक भारतीय खेल है जिसमें खिलाड़ी एक सीधे खंबे पर, लकड़ी पर या किसी रस्सी पर तरह तरह के योगासन का प्रदर्शन करता है। मलखम खेल का नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है, मल्ल जिसका अर्थ होता है पहलवान, और खम्ब यानी कि खंबा। इस खेल में इस्तेमाल होने वाला खंबा आमतौर पर शीशम की लकड़ी का बना हुआ होता है जिसे तेल से पॉलिश किया जाता है। 200 साल पहले महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये खेल आज भारत के अलावा 26 देशों में प्रचलित है। आइए इस खेल के इतिहास के बारे में थोड़ी और जानकारी लें। इतिहास के पन्नों को अच्छे से खंगाला जाए तो मलखम की जड़ें 12वीं शताब्दी से जुड़ी हुई मिलेंगी, जहां चालुक्य राज्य के एक ग्रंथ मानस उल्हस में इसका जिक्र है। इसके बाद 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव दो के पर्सनल एडवाइजर बालमभट्ट दादा देवधर ने मलखम को फिर से प्रचलित किया, जब उन्होंने पेशवा के पहलवानों को प्रशिक्षण देने के लिए मलखम की तकनीकियों का इस्तेमाल किया। ऐसा भी कहा जाता है कि पेशवा के दरबार में एक बार हैदराबाद के निजाम के यहाँ से दो पहलवान अली और गुलाब आए और पेशवा के सबसे बेहतरीन पहलवानों को चुनौती दे डाली। तब गुरु देवधर ने मलखम की तकनीकी के साथ तैयारी करके उन दोनों पहलवानों को आसानी से हरा दिया। माना जाता है कि तभी से मलखम का चलन तेजी से बढ़ने लगा और युवाओं में यह खेल बहुत प्रचलित हो गया। 1962 में जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप के अंतर्गत नेशनल चैंपियनशिप ऑफ मलखम का भी आयोजन किया। 1981 में मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठन के साथ इस खेल को एक नई क्रांति मिली और आज देश भर में मलखम के कई चैंपियनशिप का आयोजन होता है जिसमें हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। भाई जिस खेल का इतिहास ही इतना पुराना हो, जाहिर बात है ओवर टाइम इसमें कई सारी तब्दीलियां, कई सारे ट्वीक्स आए होंगे टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। मलखम की कहानी बिल्कुल सिमिलर है। आज तक ओवर द इयर्स इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुल मिलाकर 16 अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से खेलों के लिए आज सिर्फ 6 का इस्तेमाल होता है। और जहां तक वेरिएशंस का सवाल है, मलखम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग तरह के वेरिएशंस। सबसे पहले फिक्स्ड मलखम या पोल मलखम, जिसमें शीशम या टीक का एक खंबा जमीन में 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक गड़ा होता है और क्रूड कैस्टर ऑयल से उसकी सतह को बिल्कुल स्मूथ रखा जाता है ताकि लकड़ी और खिलाड़ी के शरीर में कम से कम घर्षण हो। खंबे का डायमीटर जमीन पे 16 से 17 इंच और टॉप पे 9 से 11 इंच का होता है और इस वेरिएशन में ज्यादातर पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। उसके बाद आता है हैंगिंग मलखम, जिसमें लकड़ी के खंबे को चेन या हुक से बांधकर जमीन से 2 टू 2.3 फीट की ऊंचाई पर लटका दिया जाता है और खिलाड़ियों को उस पर बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करनी होती है। हर समय झूलता खंबा इस वर्जन को काफी मुश्किल बना देता है। इसमें भी ज्यादातर पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। और मलखम का तीसरा वर्जन है रोप मलखम,
जिसमें एक रस्सी का इस्तेमाल होता है जो कि करीब 5.5 मीटर लंबी होती है और इस वर्जन में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। यार जब भी मैं किसी खिलाड़ी को मलखम के वो खतरनाक मूव्स करते हुए देखता हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं होता। मुझे लगता है कि यार ये लोग तो शायद रबर के बने हुए। इट इज इम्पॉसिबल बट नो दे मेक इट हैपन। अगर मुझे कोई कह दे कि भाई ऐसे वाले मूव्स करके दिखाओ फ्लैट जमीन पर तो भी मैं ना कर पाऊं। आई वुड बी टेरिबल एट इट बट दीज प्लेयर्स मेक इट लुक सो इजी। और जाहिर बात है जो जितने ज्यादा डिफिकल्ट मूव्स कर पाए वो खिलाड़ी उतना ही बेहतर। मलखम का रूटीन 60 to 90 सेकंड्स का होता है जिसमें हर खिलाड़ी को अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अलग अलग आसन के पोजेस और एक्रोबैटिक मूवमेंट्स दिखाने होते हैं। 5 जजों की बेंच हर खिलाड़ी को उसकी स्पीड, ग्रेस और मलखम के वर्जन की डिफिकल्टी पर आंकते हैं। हर खिलाड़ी को 5 स्किल्स पर जज किया जाता है जिनमें सबसे पहले है माउंटिंग यानी किस तरह खिलाड़ी पोल पर चढ़ता है। उसके बाद एक्रोबैटिक्स जिसमें खिलाड़ी को पोल पर तेजी और कुशलता के साथ साथ फ्लिप्स, टर्न्स और ट्विस्ट करने होते हैं। नंबर 3 कैचेस जिसमें खिलाड़ी को हवा में उड़कर खंबे को दोबारा पकड़ना होता है। नंबर 4 बैलेंसेस जिसमें खिलाड़ी को खंबे पर बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। और 5वां और आखिरी स्किल डिसमाउंटिंग जहां खिलाड़ी को खंबे के टॉप से उछलकर जमीन पर लैंड करना होता है। इन सभी स्किल्स पर आकलन होने के बाद ही किसी खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जाता है। देखा जाए तो मलखम अपने आप में योगा, जिमनास्टिक्स और मार्शल आर्ट्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और शायद यही वजह है कि मलखम का ये कमाल का खेल धीरे धीरे यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है और धीरे धीरे ये खेल इंटरनेशनल स्टेज पर भी पहचाना जाने लगा है। वेल डन। USA, जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज में हर साल इस खेल के आयोजन और प्रदर्शन होते रहते हैं और अब तो कई जगह इंटरनेशनल मलखम चैंपियनशिप्स भी हो रहे हैं। और तो और अब ये खेल कई नेशनल और इंटरनेशनल टैलेंट शोज का हिस्सा भी बन चुका है। हाँ हमने बहुत देखे सुपरमैन, स्पाइडरमैन टाइप सुपर हीरोज, लेकिन वो तो फिल्मी हीरो है। रियल लाइफ में मलखम के मूव्स कर पाना एक सुपर हीरो के काम से कम नहीं। क्या आप ये कर पाओगे भाई? ऐसे ग्रेविटी डिफाइंग मूव्स सीख पाओ और कर पाओ तो जाने, क्योंकि दुनिया जान चुकी है हिंदुस्तान की मिट्टी से निकलने वाले ये इंडिजिनस स्पोर्ट्स आजकल दुनिया भर में तहलका मचा रहे हैं। एंड दे विल ओनली गेट बिगर। यू शुड स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट माय चैलेंज एंड मेक योर फर्स्ट मूव टुवर्ड्स बिकमिंग ए मलखम सुपर हीरो। आई बी बैक वेरी सून विद द फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ येट अनदर इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया। तब तक स्टे फिट। जय हिंद।